हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे बलेनो डेल्टा मॉडल में ब्लूटूथ कनेक्ट करते समय आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में। तो वीडियो के एंड तक बनी रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो गाइस, समय बर्बाद ना करते हुए ब्लूटूथ के बारे में बात करते हैं। बलेनो में ब्लूटूथ कनेक्ट कैसे करें, इस टॉपिक पर मैंने बहुत टाइम पहले ही वीडियो बना दिया है। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और ब्लूटूथ कनेक्ट करना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेकार है। इस वीडियो में तो हम केवल ब्लूटूथ कनेक्ट करने में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगी, इस पर चर्चा करेंगे। तो आप कनेक्ट ब्लूटूथ इन बलेनो डेल्टा नाम से वीडियो है, उसे देख सकते हैं। और उस वीडियो को आप सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया है और बहुत कमेंट्स भी आए हैं, जैसे कि कुछ एरर्स आ रहे हैं, जैसे नॉट कनेक्टेड या नॉट अवेलेबल। तो गाइज, उन एरर्स को सॉल्व करने के लिए ही ये वीडियो बनाया गया है। अगर आपने अभी न्यू कार परचेस की है तो शायद आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हो, लेकिन आपके पास पहले से ही ये कार है तो आपको पता ही होगा। गाइज, मारुति की जितनी भी कार हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स है, या कह सकते हैं कि ये एक सेफ्टी फीचर है। मतलब अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं और अपने मोबाइल से ब्लूटूथ पेयर या कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मूविंग पोजिशन में ऐसा नहीं होगा और आपको डिस्प्ले पर दिखाई देगा नॉट अवेलेबल। इसके अलावा और कोई समस्या नहीं है ब्लूटूथ को कनेक्ट करने में। तो गाइस, सबसे पहले अपनी कार को पार्क करें, उसके बाद कनेक्ट करें। अगर उसके बाद भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आप एक ट्रिक का यूज करके उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप स्विच को 2-3 बार ऑन या ऑफ करें तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और ब्लूटूथ आसानी से कनेक्ट हो जाएगी। आशा है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। वैसे कुछ टाइम कार ऑन करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी ब्लूटूथ के साथ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड गाइज, वीडियो को अगर पूरा देख ही लिया है तो वो 3 मैजिकल वर्ड्स मत भूलना, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको और कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।